नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं पश्मा। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, मतदाता भी उत्साहित हैं, लेकिन इन सबके बीच में कहीं ना कहीं दीदी जो हैं वो हतोत्साहित नजर आ रही हैं। ये बात हम क्यों कह रहे हैं, जरा इसको हम समझाते हैं, क्योंकि दीदी ने चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखी है गैर बीजेपी नेताओं को, ऐसे 15 नेताओं को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। और इस चिट्ठी का मजमून क्या है, पहले वो आपको बता देते हैं कि आखिर वो इस चिट्ठी में कहती क्या है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा है कि मेरा मानना है कि लोकतंत्र और संविधान पर बीजेपी के हमलों के खिलाफ एकजुट और प्रभावी संघर्ष का समय आ गया है। अब जरा ये भी जानना जरूरी है कि ये किन नेताओं को चिट्ठी लिखी गई है। इसमें 5 मुख्यमंत्री हैं, गैर बीजेपी प्रदेशों के मुख्यमंत्री हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, जिनको वो अपना सबसे अच्छा मित्र बताती हैं, उनको चिट्ठी लिखी गई है। सोनिया गांधी को, शरद पवार को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी यादव को, नवीन पटनायक को और जगन मोहन रेड्डी को भी चिट्ठी लिखी गई। तो ये बड़े बड़े नाम हम आपको बता रहे हैं जिनको ये खत लिखा गया है। अब इस खत के बाद कई सारे सवाल हैं कि अचानक से दूसरे चरण के वोटिंग से पहले ये खत क्यों, और ये सवाल इसलिए और ज़्यादा गंभीर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा चरण है उसमें 30 सीटों पर वोटिंग होनी है। उसमें सबसे खास सीट नंदीग्राम की, जी हाँ, ममता दीदी इसी सीट से चुनावी मैदान में है। और कहा जाता है कि नंदीग्राम जो है वो शुभेंदु अधिकारी, जो कि बेहद करीबी थे, उनका गढ़ है। और इसी नैरेटिव को चैलेंज किया है ममता दीदी ने। तमाम तरह की कोशिशें की गई। जब नंदीग्राम में उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उसके पहले उन्होंने चंडीपाठ किया। उसके पहले अगर हम देखें तो उनके ऊपर कई सारे सवाल उठते रहते थे कि जय श्री राम के नारे से भी वो चिढ़ जाती हैं। जब यहाँ पर वो नॉमिनेशन करने पहुँची तो उसके पहले शिव पूजन किया, और यहाँ तक कि जब आखिरी दौर चल रहा था चुनाव प्रचार का तो उन्होंने अपना गोत्र तक बताया, और उसके बाद ये खत भी सामने आया। तो कई सारे सवाल विपक्ष खड़ा कर रहा है। विपक्ष कहता है कि दीदी की ये घबराहट है, डर है, और सवाल वाजिब है, लाजमी है, क्योंकि अब तक जो है टीएमसी को, ममता दीदी को बंगाल के लिए सबसे सशक्त माना जा रहा था। लेकिन अब क्या वाकई में घबराहट आ गई है ममता दीदी के अंदर? चलिए थोड़ा सा हम आपको पिछला आंकड़ा बता देते हैं कि यहाँ पर जो पिछला चुनाव था 5 साल पहले का, वो स्थितियाँ क्या थी। इस चरण की जो 30 सीटें हैं जहाँ पर ये वोटिंग हो रही है, उसमें 30 में से 22 सीटें टीएमसी की झोली में गई थी, यानी 73% सीटें टीएमसी ने अपने खाते में की थी। तो स्थितियाँ क्या वाकई में बदल गई हैं? हाँ, 2019 का जो प्रदर्शन था बीजेपी का इस इलाके में, जिस जगह पर ये दूसरे चरण की वोटिंग हो रही है वहाँ पर, उससे वाकई में कुछ स्थितियाँ, समीकरण बदले हुए नज़र आते हैं। और जैसे ही पहले चरण का चुनाव खत्म होता है, दूसरे चरण पर फोकस किया जाता है, इन सब के बीच में आरोप प्रत्यारोप होते हैं, और ये चिट्ठी जब सामने आ जाती है तो बीजेपी फिर से दीदी पर चुटकी लेने लगती है। ठीक है, अब वोटिंग का वक्त आने वाला है, उसके बाद काउंटिंग का दिन आएगा, तब पता चलेगा कि खत का जो हाल है वो क्या कहता है, और वाकई में जो विपक्षी नेता हैं क्या एकजुट होंगे बीजेपी के खिलाफ, दीदी के साथ आएंगे, ये बड़ा सवाल है।